गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू बर्निंग डिजायर। स्वागत है आपको बर्निंग डिजायर में। और आज हम लोग जाने वाले हैं छोटा कैलाश, जो कि मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे, और हमें मिलने वाला है 4 किलोमीटर की ट्रेकिंग। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफर। आज मेरे साथ होंगे रवि भाई, जो कि अभी तैयार होते हैं। लेट्स सी, चलते हैं कैसा होता है देखते हैं। हे फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग कैलाश द्वार के नीचे हैं। अभी यहाँ से बस 17 किलोमीटर बचे हैं हमारी जर्नी को। हम थोड़ा रॉन्ग रूट पे चले गए थे, हमारी जर्नी 4 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है, नहीं तो अब तक हम लोग शायद थोड़ा सा आगे पहुँच जाते। तो इट्स ओके, नो इश्यूज। तो देखते हैं आगे की जर्नी हमारी कैसी रहती है। आप देख पा रहे होंगे
तो अभी हम लोग ऑन द वे है। अभी भी रोड बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा ऑफ रोड टाइप लग रहा है मुझे। आपने रोड्स देखे ही होंगे अभी तक, जितना भी हम लोगों ने सफर किया रोड्स काफी खतरनाक थे और ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ब्रेक क्लच दबा दबा के हाथ की बैंड बज गई है। और बीच बीच में झरना, पहाड़ी झरना जो रोड के बीच से जाता है वो बड़ा खतरनाक है, बहुत स्किड करता है उस पर। अगर आप लोग कभी भी छोटा कैलाश आइएगा तो बड़े ध्यान से चलाइएगा भाई, क्योंकि बहुत स्किड कर रहा है। और अगर रोड ऐसा ही रहता है तो फिर तो। और एक बात जो है, अभी तक हम लोग रोड में मतलब इंसान देखा ही नहीं, ऑलमोस्ट दो चार लोग दिखे वो भी मतलब भैंस बकरी चढ़ा रहे थे ये वो। एक ना घर है ना कुछ है, नथिंग यहाँ पे यार। बहुत डिफिकल्ट है पहाड़ की लाइफ, जैसा हम लोगों को दूर से दिखता है, मेरी सिटी से जैसे दिखता है पहाड़ कितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। आइएगा कभी छोटा कैलाश, लेकिन आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑफ रोड ट्रैकिंग और हिम्मत ये सब कुछ भर भर के ले आना, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। ज़रा व्यू देखिए यहाँ का, ना घर है ना कुछ है, नथिंग है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेते हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 26 किलोमीटर हमारी कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू होती है हमारी ट्रैकिंग की बारी। यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर आप ये देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, ठीक है। व्यू बहुत ही खतरनाक था जब तक हम लोग यहाँ पे आए, बहुत कुछ अभी तक फील कर चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक वीडियो की जितने भी शूट्स देखे हमारे, बहुत ही खतरनाक था रोड पूरा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऑफ रोड ही कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज़। तो चलिए देखते हैं आगे का सर ट्रैकिंग कैसा रहता है हमारा, लेट्स सी। को लग रहा था कि हम लोग 100 मीटर है और 200 मीटर, 100 मीटर, जितना ऊपर हम लोग चढ़ते जा रहे हैं हमें लग रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। बाबा जी पहुँचा दो यार थोड़ा जल्दी, मौसम भी ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। तो देखते हैं कितना ऊपर है, और आप देख ही पा रहे होंगे पूरा अंधेरा सा हो रखा है अभी, क्लाउड्स इतने आ रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं इधर पूरा अंधेरा हो चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है शायद रेस्ट के लिए या कुछ भी हो, अगर शेल्टर, अगर किसी बारिश में अगर किसी को शेल्टर चाहिए तो ये बना हुआ है, अगर बाई चांस किसी कोई फंस गए बारिश में। तो देखते हैं चलो अब कब पहुँचते ऊपर, कितना टाइम और लगेगा। वही रास्ता है, वैसे ही हम चलेंगे फुल एनर्जी के साथ, फिर घूमेंगे फिर आएंगे, चलते रहेंगे, चलना ही जीवन है। तो अभी जैसे आप लोग पीछे देख पा रहे हैं ये रोड, इसी टाइप का हमें रोड मिलेगा अब। 1 किलोमीटर अभी और है, जैसा अभी मैंने कुछ टूरिस्ट जो यहाँ पे आए थे उनसे बात की, तो हम लोग जो 100 मीटर 200 मीटर बस ये एजम्पशन था कि ऐसा 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 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा हम जितना हम लोग सोचे थे ट्रैकिंग का, उससे कई ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 5 से 6 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर नहीं है, और रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, ये तो मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो चलिए थोड़ा सामने की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं कैसा है दोनों साइड। पूरा धुआं धुआं है चारों तरफ, पूरा धुआं, मतलब सही में बता रहा हूँ, ये शायद भोले बाबा की कृपा होगी कि मुझे ऐसी व्यू हर बार मिल जा रहा है, हर बार, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें वीडियो को। तो आप देख पा रहे होंगे, शायद कुछ नहीं देख पा रहे होंगे, पूरा धुआं है, बस क्लाउड्स देखिए, क्लाउड्स का मज़ा लीजिए, रोड देखिए, ऐसे रोड पर तो चलने का मज़ा है हमारी, बस यही तो सफ़र है, यही तो ट्रेकिंग है। ऑफ रूट होना चाहिए, बस ऐसा रूट होना चाहिए, वेदर ऐसा होना चाहिए, भले खारी को कुछ ना मिले ऑन द वे, नो इश्यूज, बस ऐसा होना चाहिए। आप वो जगह देख पा रहे हो, सही में वहाँ से यहाँ तक आने में मैक्सिमम कितना होगा, 500 मीटर होगा, ऐसा लग रहा है ना कि 5 किलोमीटर है, ऐसी चढ़ाई है ऊपर।
और रास्ते तो आपको दिख ही रहा है, तब से मैं यही दिखा रहा हूँ रास्ता कैसा है। और चढ़ाई इतनी खतरनाक है भाई साहब, हमारी हालत खराब हो रही है सही में। इतना इतना डिफिकल्ट है रोड। कैलाश मान गए भगवान, क्यों इसे छोटा कैलाश कहते हैं, बड़े कैलाश होते तो बस फिर बड़े कैलाश जाएंगे। आखिरी मोड़ पे हैं मंदिर के, बस ये मेरा हाल है, आप देख पा रहे होंगे, बस ये बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम चल रहे हैं आगे और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत साउंड सुनाई दे रहा है और बहुत विजिटर्स हैं, लेकिन जो नज़ारा है और जो हम लोगों की वो पहुंच गए, अब फाइनली फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और विजिटर्स बहुत है ऊपर, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा ऊपर की। और मौसम इतना अच्छा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि सही में भोले बाबा की बहुत कृपा है हम पे कि मौसम इतना अच्छा बना दिया। हम लोग स्वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन धूप होता तो और ज़्यादा महंगा पड़ता है ये चीज़ में, पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं यहाँ पे। तो फाइनली अभी आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग पहुँच चुके हैं छोटा कैलाश मंदिर, ये है छोटा कैलाश का मंदिर जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा चलने के बाद हमें मिला है, जो मुझे नहीं लगता कि ये 4 किलोमीटर का ट्रैक रहा होगा, 6 से 7 किलोमीटर का मुझे पर्सनली फील हो रहा था, इतना लंबा लग रहा था रोड। रोड वैसे भी पता है आप लोगों को, ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कितना ख़राब था। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं, आ जाइए। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि हम लोग पहले भी देख रहे थे कि क्लाउड्स आ रहा है बहुत ज़्यादा, अब मौसम पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स है यहाँ पे। तो आप पता नहीं कब यहाँ से बारिश हो जाएगी, कुछ दिखेगा भी नहीं यहाँ से, कोई व्यू नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा सा हो रखा है, बादल गरज रहे हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितने सारे विजिटर्स हैं, पहले एकदम सुनसान था जब हम लोग आ रहे थे रोड पे, तो पूरा सुनसान था, अभी इतने सारे विजिटर्स यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सा भीड़ है यहाँ पे, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आसपास के नियर बाई जो सब वो भी घूम लेते हैं। संग, 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 संग,
पाकिस्तान में रख दिया बम 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 बोले बोला रे तेरी बम 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 बोले पाकिस्तान में रख दिया बम 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 बोले अखिलेश की निकल गई तुम बाबा के पास मोबाइल रख लिया मोबाइल आपका है ना ना तो अभी हम लोग ऊपर है मंदिर में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे पार्वती कुंड है ये जो कि 4 साल पहले से बनना शुरू हुआ है अभी भी इस पे काम चल रहा है ये दर्शनार्थियों के लिए नहाने के लिए एक बनाया जा रहा है तो अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है तो शायद अभी व्यूज भी दिखे धीरे धीरे तो अगर जितना व्यू दिखेगा हम आपको उतना ही दिखाते जाएंगे तो चलिए पूजा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है लेकिन हम लोग साइड का व्यू भी दर्शन कर लेते हैं तो आइए एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कहा जाता है कि भगवान शिव जी जब कैलाश गए थे तो वो यहाँ पे आके रुके थे तब से इसका नाम इसीलिए छोटा कैलाश पड़ा है और भगवान शिव जी का ये जगह बहुत पवित्र माना जाता है नैनीताल में और यहाँ पे विजिटर्स इतने सारे आते हैं और श्रावण के महीने में आप सोच भी नहीं सकते हो इतने लोग आते हैं पूरी भीड़ रहती है पूरी रास्ते पे भीड़ रहता है और इतना भीड़ होता है कि आप मतलब बहुत स्लो हम लोगों को 2 घंटा लगा ना यहाँ पे आने में तो आपको उस टाइम पे अगर श्रावण में आप आते हो सोमवार को तो आपको मान के चलो कम से कम 6 से 7 घंटा लगेगा रास्ते में इतना भीड़ होता है इतनी पवित्र इस जगह को माना जाता है तो चलिए यहाँ पे साइट सीन्स जो है वो विजिट करते हैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं है उत्तराखंड का ये छोटा कैलाश ही है मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मेरे साथ आइए पूरा फिर से धुआं धुआं हो चुका है और शायद ही कुछ क्लियर हो कुछ क्लियर ना हो इस टाइप का सिनेरियो हो लेकिन मज़ा जो आएगा वो फुल आने वाला है क्योंकि धीरे धीरे मौसम क्लियर होने वाला है और हमें क्लियर व्यूज भी मिल रहे हैं अभी तो चलिए देखते हैं और कुछ अगर अच्छा सीन मिलता है तो हमें थोड़ा नीचे जाएंगे आज पहाड़ के रास्ते उतरेंगे हम काफी संभल के जाना पड़ेगा आराम से कांटे भी हैं यहाँ तो हाँ वही इसी से बच के रहना चाहिए हाँ एक्चुअली अजीब अजीब सा कांटे जैसा फल है यहाँ पे ऑन द वे जो कि चुभ रहा है बहुत ज्यादा तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा फ्लो में ऐसा कभी ट्राई मत करिएगा इस टाइप के पहाड़ में वो भी स्पेशली क्योंकि जो कि बहुत ढलान है तो हम धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं अब आप देख सकते हो और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं यहाँ का हर एक स्टेप पे ना अलग अलग जैसे सीढ़ियाँ बनाई हुई है तो इतनी मुश्किल हो नहीं रहा है यहाँ पे मतलब जितना ऊपर से मुश्किल दिख रहा था इतना है नहीं खैर तो सब ठीक है फिलहाल अभी तक तो हम एंजॉय कर रहे हैं आगे भी करेंगे उम्मीद है और एक बार ऊपर को दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी फिलहाल मुझे आपको दिख रहे हैं ऊपर वहाँ से आए हैं हम और जाएंगे अभी नीचे को
ये पहाड़ ना कुछ अलग टाइप का है, क्यों ऊपर से एकदम नीचे को दिख रहा है और हम जब नीचे आए तब कुछ और। चले नीचे तक चलते हैं और थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, नीचे मुझे लग रहा है स्प्लिट है। नहीं नहीं, अब वो हमें दूर से ऐसे ही दिखेगा लेकिन जब हम पास में जाएंगे तब हमें दिखेंगे, घास की वजह से दिखेगा। नहीं घास की वजह से नहीं, देखो तुम वहाँ पे बड़े पत्ते वाले पेड़ देख रहे हैं मुझे, जो कि मुझे लग रहा है ऐसा ढलान होगा, क्योंकि थोड़ा तो जा ही सकते हैं हम आगे तक, थोड़ा तो जा सकते हैं वहाँ से देखते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो फिर नहीं जाएंगे, चांस लेना नहीं चाहिए था। ये है हमारा फाइनल साइट सीन जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी। आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं पहाड़ के। ये पूरा कंप्लीट ऑफ रोड है, कोई रूट नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके थोड़ा सा डेयरिंग बढ़ा के थोड़ा एंटरटेनिंग करने के लिए, थोड़ा एक्चुअली हम लोग एंटरटेन हुए बहुत ज़्यादा। पता नहीं आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, जो भी होगा हमें एक्सेप्ट है तहे दिल से। तो मज़ा बहुत आ रहा है, सराउंडिंग्स इतने प्यारे हैं, वेदर इतना अच्छा है। हमने 2-3 घंटे में ऐसे ऐसे नज़ारे देखे, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको दिखाए जो कि दिल दहला देने वाली नज़ारे हैं, दिल को खुश कर देने वाली है। तो बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट दीजिए, भाई की चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए घर भर के। तो आज का सीन यही ख़त्म होता है, हम लोग अब वापस जाने वाले हैं। तो होपफुली हम लोग सेफली घर पहुंच जाए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, और शिव जी का कृपा ऐसे ही बने रहे। हर हर महादेव, जय भोले।